नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी को ज़रूर दबाइए। दोस्तों, मंगलवार, आज मंगलवार का दिन है और मंगलवार के दिन इस कथा को सुनने से आपके सारे पापों का नाश होता है। भगवान हनुमान आपके सारे काम बनाने लग जाते हैं। भगवान हनुमान का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आपको इस कथा को सुनना बेहद आवश्यक है। दोस्तों, आपको लाभ प्राप्त करने के लिए इस कथा को पूरा देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। दोस्तों, एक ब्राह्मण दंपति थे जिनकी कोई संतान नहीं थी और इसी दुख से वो दोनों दुखी रहते थे। एक बार ब्राह्मण हनुमान जी की पूजा के लिए वन में चला गया। वन में वो पूजा करता और हनुमान जी के सामने एक पुत्र पाने की कामना भी करता। इधर घर में ब्राह्मण की पत्नी भी पुत्र पाने के लिए मंगलवार का व्रत किया करती थी। हर मंगलवार को वह व्रत रखकर और व्रत का भोजन बनाती और हनुमान जी को भोग लगाकर फिर बाद में स्वयं भोजन करती थी। दोस्तों, एक बार की बात है कि ब्राह्मणी किसी और व्रत के आने पर उसका व्रत करती है और दूसरे व्रत के कारण वो उस दिन भोजन न बना सकी और ना ही उसने हनुमान जी को भोग लगाया। अब वो मन में ये प्रण करके सोई कि अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगा कर ही वो अन्न ग्रहण करेगी, अन्यथा नहीं। अब वो बिना कुछ खाए पिए 6 दिन तक भूखी प्यासी पड़ी रही। मंगलवार के दिन वो बेहोश हो गई। हनुमान जी ने उसकी लगन और निष्ठा को देखकर अत्यधिक प्रसन्न हो गए। दोस्तों, हनुमान जी ने प्रसन्न होकर ब्राह्मणी को दर्शन दिए और कहा, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हारी भक्ति को देखते हुए तुम्हें एक सुंदर बालक बना देता हूँ, तुम्हें एक सुंदर बालक देता हूँ जो तुम्हारी बहुत सेवा करेगा। हनुमान जी मंगलवार को उसे बाल रूप में दर्शन देकर अंतर ध्यान हो गए। सुंदर बालक पाने पर ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई। ब्राह्मणी ने उस बालक का नाम मंगल रखा क्योंकि मंगलवार के व्रत रखने पर ही वो उसे मिला था। कुछ समय बाद ब्राह्मण भी वन से वापस घर लौट आता है और घर में सुंदर बालक को देखते ही वो ब्राह्मणी से पूछता है, ये बालक कौन है? ब्राह्मणी कहती है, मैंने मंगलवार को व्रत रखे थे जिससे प्रसन्न होकर हनुमान जी ने इस बालक को वरदान स्वरूप मुझे दिया है। ब्राह्मणी की बातों पर ब्राह्मण को जरा भी विश्वास नहीं होता है। वो मन में यही विचार करता है कि उसकी पत्नी ने उससे छल किया है और व्यभिचारिणी है, उसकी कलुषता छिपाने के लिए ये सब बहाने बना रही है। एक दिन ब्राह्मण कुएं पर पानी भरने गया तो ब्राह्मणी ने कहा कि मंगल को भी साथ ले जाओ। वो मंगल को साथ तो ले गया, लेकिन कुएं में पानी भरने के बाद मंगल को कुएं में फेंक कर घर चला आया। उसकी पत्नी ने पूछा, मंगल कहाँ है? दोस्तों, उसी समय मंगल मुस्कुराता हुआ आया और बोला कि माँ, मैं यहाँ हूँ। उसे देख ब्राह्मण बहुत आश्चर्यचकित रह गया। रात्रि में हनुमान जी ब्राह्मण के सपने में आते हैं और कहते हैं, ये बालक मैंने दिया है, तो तुम अपनी पत्नी को उल्टा क्यों कहते हो? ब्राह्मण ये सुन बहुत खुश हुआ। उसके बाद पति पत्नी दोनों ने मिलकर मंगलवार का व्रत किया। व्रत को रख कर सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। जो भी मंगलवार का व्रत रख कर इसकी कथा को पढ़ता, सुनता या फिर देखता है, तो नियम से व्रत करता है, तो हनुमान जी की कृपा से उसके सारे कष्ट दूर होते हैं, वो समस्त सुखों को पाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों के लिए लाभदायक सिद्ध होगी और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।